नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हरदीप जी हैं, जो 15-20 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं, इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, विजन डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा के लिए। हरदीप जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 15-20 सालों से आ रही हैं आप डेरा सच्चा सौदा संस्था? 14 सालों से आ रही हैं। कैसा माहौल लगता है आपको आश्रम का? यहाँ का माहौल बहुत बहुत ही अच्छा है, मतलब शांत है, बिल्कुल अच्छा लगता है आके, मन में शांति मिलती है। सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप? बहुत ज़्यादा। कभी भी हरदीप जी आपने ऐसा महसूस किया हो जैसा मीडिया में टीवी में दिखाया जा रहा था 4 साल पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, मीडिया तो बकवास दिखा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत, सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सच क्या है, संत जी ने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया? बहुत कुछ किया है पिताजी ने, जो कोई भी नहीं कर सकता। कितने लोग भलाई के काम किए, लोगों के मकान बनाना, गरीबों को राशन, कहीं भी कोई भी हद तक, मतलब कि देश में कुछ भी ऐसा हो, वहाँ पे डेरा प्रेमी जो भी है खड़े होंगे, साथ देंगे हमेशा, सरकार के साथ लगा लो, किसी के साथ भी, अगर किसी में कोई मुसीबत आती है हमेशा साथ खड़े। क्या आज आपको लगता है ऐसे संत की समाज को ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, मतलब 4 साल हो गए हैं वो नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर उनके ना रहने से, क्या बदलाव आपको लगता है, क्यों ज़रूरत लगती है आपको उनकी समाज को? मैंने पता नहीं, प्रेमियां तो ज़रूरत है, देखो दूसरा तो कोई जो भी कह रहे हैं कही जावे पर तो कोई असर नहीं होता उसका। क्या मांग करोगे आप सरकार से? बस यही मांग कर देगी, पिताजी जल्द से जल्द हम सबके बीच आ जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार डिमांड हो रही है सेंटर प्रोग्राम गुरमीत राम रीम सिंह जी, ताकि आप भी अपने राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।